it's not a game, it's a rich thing. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम शेफ अली. मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो मैं आज आपके साथ लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर ऑयल प्लस सीरम का रिव्यू शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ. तो मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था, अमेजोन से बुलाया था इसे. इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है और मैंने इसे लिए हुए एक महीना हो गया है. मैं इसे कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ. मैं वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं इसे यूज़ करती ही हूँ. तो इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है. इस पर इन्होंने ये लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम है. इसकी इनर पॉट पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है. आप देख सकते हो काफ़ी लग्जूरियस पैकेजिंग के साथ आती है ये बॉटल. ये ग्लास बॉटल है तो आपको केयरफुली ही रखना होगा इसे. ये क्वांटिटी इसकी 100 ml है और ये पंप के साथ आता है. इसके साथ ऊपर से कोई कैप नहीं आती इसकी और ये ऐसे किए तो लॉक हो जाता है और ऐसे किए तो ओपन हो जाता है ये. तो आप देख सकते हो मैंने इतना यूज़ किया है. तो हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आपको तो पता है ऑयल और सीरम, मतलब सीरम हमें कैसे लगाना चाहिए. हेयर वॉश करने के बाद बस ड्राई होने देना है और उसके बाद हमें सीरम अप्लाई करना चाहिए. सो मैं इसके इन्होंने बताया है कि यूज़ कैसे करना है. हम मिडल से लेके हमारे टिप पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे. बिफोर शैम्पू, बिफोर ड्राइंग हम हीटेड टूल यूज़ करने से पहले जो हीट प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं तो हम इसे भी हीट प्रोटेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं. मैं इसे ट्राई कर रही हूँ हीट प्रोटेक्टर के साथ. जब भी मुझे स्ट्रेटनिंग वगैरह, मतलब स्ट्रेटनर यूज़ करना रहता है या कर्लर वगैरह, तो मैं उसे इसे ही यूज़ करती हूँ प्रोटेक्टर की तरह. और बिफोर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग के टाइम पे भी हमें हीट प्रोटेक्टर चाहिए रहता है. हम हीटिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें ये, हम इसे यूज़ कर सकते हैं. और नेक्स्ट एज अ फिनिशिंग टच के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट. और हाँ, हम जैसे ऑयल ट्रीटमेंट लेते हैं ओवरनाइट के लिए तो हम इसे भी ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो डेली रूटीन यहाँ पे दिया है इन्होंने, मेंशन किया है यहाँ सब कुछ. आप देख सकते हो यहाँ पे भी है और यहाँ पे इन्होंने कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ भी दिया, मेंशन किया है ये सब. ठीक है. सो फ्रेंड, हम मैंने इसे ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ नहीं किया है अभी तक कि मैं ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ करके आपको बता दूंगी मेरा रिव्यू, मतलब फीडबैक कि मुझे क्या रिजल्ट मिला. लेकिन इसे यूज़ करने से ना हमारे बालों में फ्रीजीनेस बिल्कुल भी नहीं होती और एकदम देखो आप सिल्की और शाइनी लगते हैं हमारे हेयर, टैंगल फ्री हो जाते हैं हमारे हेयर. मतलब हम ऐसे भी हाथ घुमाए तो हमारे हाथों में बिल्कुल भी हमारे बाल में निकलेंगे. सो मुझे ये तो हेयर ऑयल प्लस सीरम बहुत अच्छा लगा, पसंद भी आया मुझे और रिजनेबल प्राइस में है और हमें 100 ml क्वांटिटी मिल रही है इसकी. इसकी प्राइस, हाँ, ये हमें 499 में 100 ml क्वांटिटी दे रहा है तो बिग डील है. सो मेरे तरफ से इस ऑयल सिरप के लिए थम्स अप है. तो आप ज़रूर ट्राई करें और आपका फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के. पर मैं मेरे हेयर्स पे 5 ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ अभी. मैं कुछ नहीं, हमें बस ऐसे ही मिडल हेयर पे ही यूज़ करना है इसे.
जेंटली यूज करनी है, हमें बाकी कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हो इसको लगाने से कितने अच्छे हुए ना है। आप सच में एक बार जरूर ट्राई करिए ये हेयर सीरम, बहुत अच्छा है ये हेयर सीरम। अभी तो ऑफर पे भी मिल रहा है, ये 5% ऑफ पे भी मिलता है अभी तो अमेजोन नायका पे 5% ऑफ पे आता है। तो मैं इसकी बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने इसे कैसे अप्लाई किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय।